अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट लड्डू। ये लड्डू सर्दियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये लड्डू बच्चे, बूढ़े, नौजवान लोग और ख़ास तौर पे जिसको न्यू बेबी हुआ है उस औरत को बहुत फ़ायदेमंद है। ये लड्डू से बहुत ताकत मिलती है। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में एक चम्मच घी डाली हूँ मैंने और घी गर्म हो चुका है। इसमें डालूँगी मैं 20 ग्राम मखाना और इसको फ्राई कर लूँगी कुरकुरा होने तक के। मखाना हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अभी उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। इसमें डालूंगी 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम सूखा नारियल, उसको मैंने बारीक काटी हूँ, और इसे भी फ्राई कर लूँगी। ये तीनों चीज़ फ्राई हो चुकी है। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। उसी कढ़ाई में मैं अभी 1 चम्मच घी डालूंगी और उसमें 2 चम्मच गोंद डालूंगी। अभी मैं इसको फ्राई कर लूंगी। ये गोंद जो है पॉपकॉर्न की जैसा होता है। अभी ये बड़े बड़े हो जाएंगे जब तक के हमें इसे भूनना है। देखिए गोंद हमारे हो चुके हैं। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाली हूँ और उसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी के दाने और इसको भी फ्राई कर लूँगी। देखिए ये तीनों चीज़ भी फ्राई हो चुकी है। अभी मैं गैस बंद करके इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी। अभी ये सारी चीज़ ठंडी हो चुकी है। अभी हम इसे पीस लेंगे। इसे हमें मोटा मोटा पीसना है। हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। देखिए काजू बादाम पीस कर हो चुका है। अभी मैं इसको थाली में निकालूंगी। हमें ऐसा ही जाड़ा जाड़ा चाहिए। उसी जार में मैं मखाना डाल दूंगी। उसी के साथ में मैं ये गोंद डाल दूंगी। तेल, अजवाइन, मेथी भी मैं उसके साथ में ही डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं बारीक पीसूंगी। देखिए मखाना वगैरह सब बारीक पीस कर हो चुका है। अभी मैं इसको काजू बादाम में डाल दूंगी। उसी जार में मैं गीला खजूर डालूंगी। उसकी मैंने बींजे पूरे निकाल कर रखी है। मैंने 1/2 किलो खजूर ली है। इसको भी बारीक पीस लेंगे। खजूर भी पीस कर हो चुके हैं। अभी मैं खजूर को भी उसी थाली में डालूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम मनुके। अभी ये सारे चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें शक्कर वगैरह किसी की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कितने भी बड़ी साइज रख सकते हैं। ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गए। इसी तरह हम सारे लड्डू को बनाएंगे।
माशाल्लाह ड्राई फ्रूट लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना ड्राई फ्रूट लड्डू कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।